तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका एक्सपी फार्म जो है ना, वो वर्क करता क्यों नहीं है। ओके, जो ये एक्सपी फार्म होता है ना, क्या आप भी परेशान हो चुके हैं ना उससे? तो ये वीडियो आपके लिए, आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा, तभी आपको समझने वाला है पूरा झमेला क्या है। सो अगर आप हमारे चैनल पर प्लीज़ नए आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। ओके, सो अभी हम हर संडे को लाइव आने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और जल्दी ही हम 100 सब्सक्राइबर्स क्रॉस करने वाले हैं, तो प्लीज़ क्या कर रहे हो अभी तक, क्रॉस करवा दो भाई, और लाइक तो कर ही दो, और कमेंट अगर आपको चाहिए तो करो। मगर हम क्या करने वाले, जब हमारे 1K सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो जो जो हमारे चैनल पे कमेंट करे हुए हैं और जो जो हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं, उनके हम स्क्रीनशॉट रखने वाले हैं, और 1K होने के बाद हम दिखाने वाले हैं। सो अगर आपको भी चाहिए कि जब हमारे 1K सब्सक्राइबर्स होए और आपका नाम हमारे वीडियो में आए, तो प्लीज़ कमेंट करना। ओके, तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं अभी आपको ये फर्स्ट पर्सन पे जाके दिखाता हूँ प्रूफ कि हमारा एक्सपी फार्म वर्क करता है। सो अभी करते हैं हम जो बोलते हैं यार इसको फर्स्ट पर्सन। वीडियो पूरा अनकट होने वाला है आपके सामने। ओके, सो अभी मैं हो चुका है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, और ये देखेंगे आपके यहाँ पे क्रीपर स्पॉन हुआ था। ओके, ये एक्सपी फार्म वर्क करता है। अभी और भी कुछ स्पॉन होगा यहाँ पे, थोड़ा सब्र करो। तो दोस्तों, ये है मेरा फार्म वार्म जो मैं सर्वाइवल में खेलता रहता हूँ। ओके, सो अगर आपको भी सर्वाइवल सीरीज चाहिए तो कर देना कमेंट। सो दोस्तों, यहाँ पे मैंने विलेजर लाए थे बहुत दूर से, लेकिन क्या हो रहा है मेरे को आई डोंट नो, कि जब जब मैं ये करता हूँ ना गेम क्लोज करके ओपन, तो विलेजर गायब होते हैं, मैं मुझे फिर से उन्हें लाना पड़ता है। सो यहाँ पे अभी आया था ये स्केलेटन, उससे मेरे को एन्चेंटेड बो मिला है। सो अभी उसके बाद क्रीपर आया है। सो अभी मैं आपको ऊपर जाके भी दिखाऊंगा कि मैंने कुछ इसमें स्पॉनर वॉनर तो लगाए है नहीं। सो अभी चलते ऊपर। ओके, सो अभी मेरे को इसको करना पड़ेगा ये क्रिएटिव सेटिंग, गेम का सेटिंग। सो मैं अभी क्रिएटिव करता हूँ आपको दिखाने के लिए। ओके, सो अभी चलते ऊपर। सो आपको सारा झमेला मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आपका वर्क नहीं करता है। ओके, सो अभी ये तोड़ता हूँ और इसके अंदर जाके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक भी स्पॉनर नहीं लगाया, अभी तक मैंने वीडियो कट भी नहीं किया दोस्तों। सो के अगर आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ, सो अभी आपके सामने कट भी नहीं किया। सो पहले तो स्पॉन हो रहे थे जब वीडियो स्टार्ट हुआ तो। ओके, सो अभी भी स्पॉन हो गए, लेकिन आई डोंट नो, सॉरी होगी, सॉरी। सो अभी चलते हैं ये वर्क कैसे करवाए। ओके, सो मैं कुछ टिप्स आपको बताने वाला हूँ, कुछ नहीं एक ही टिप है वो। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सो जहाँ पर आपका एक्सपी फार्म है उसके एकदम टॉप पे चला जाना है, और उसके बाद सारी जगह पर टॉर्चेस लगाने हैं, जैसे कि मैंने लगा के रखे हैं। जितनी हो सके उतनी आप यहाँ पर टॉर्चेस लगा देना, ताकि कौन सा भी क्रीपर, स्केलेटन या फिर मॉब यहाँ पे स्पॉन ना हो। सो ओके, और ऐसा ही हमें दूर दूर तक करना है, जितना दूर तक हम कर पाएंगे, जितना फास्टेस्ट आपको ये एक्सपी फार्म चलना चाहिए उतने दूर दूर तक आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एकदम दूर दूर तक टॉर्चेस लगा रखी है, जैसे ही रात होती है एकदम उजाला ही उजाला रहता है, और एक भी क्रीपर या स्पॉनर, सॉरी एक भी क्रीपर यहाँ पे स्पॉन होता ही नहीं है। सो सिस्टम को इसकी वजह से पता चलता है कि कहाँ पे भी प्लेयर के नियर अंधेरा है नहीं, और स्पॉन कहाँ करे जाए क्रीपर्स, तो हमारा एक्सपी फार्म होता है ना उसमें ही सिर्फ अंधेरा रहता है। तो सिस्टम को क्या पता चलता है कि यहाँ पे, सॉरी, जहाँ पर अंधेरा होता है वहीं पर क्रीपर्स या फिर मॉब्स स्पॉन होते हैं। सो हम सारी तरफ ये करके रखे उजाला, तो स्पॉन तो सिर्फ जहाँ पे अंधेरा हो वहीं पर होगे, और अंधेरा तो सिर्फ हमारे
एक्सपी फार्म में ही है, तो वहीं पे क्रीपर्स स्पॉन हो गए। सो मैंने अभी क्या करा है आपको सेकंड क्या करना है, जितने भी आपके घर के या फिर आपके आसपास आपके एक्सपी फार्म के आसपास केव्स होगी उसको लाइट अप करना है, जैसे कि मैंने पीछे बताया घुस के दिखाया था अभी। ओके सो अभी ये मैं सेकंड जो मेरी केव है उसके अंदर मैं जाऊंगा और उसके अंदर देख पा रहे हो सारी तरफ टॉर्चेस लगाए हैं, कहीं पे भी अंधेरा रखा नहीं है और क्रीपर्स को स्पॉन होने के लिए कहीं पे भी जगह रखी नहीं है, ताकि क्रीपर्स और मॉब्स सिर्फ हमारे एक्सपी फार्म के अंदर ही स्पॉन हो। सो अभी पूरे वर्ल्ड में तो नहीं, लेकिन मेरे घर से दूर दूर तक कहीं पे भी अंधेरा मैंने रखा नहीं, सिर्फ मेरे एक्सपी फार्म के अंदर ही रखा है। और आपको भी यही सारा झमेला यूज़ करना है और आपका एक्सपी फार्म मेरे जैसे ही काम करेगा। अभी तो मेरा भी इतना फास्ट वर्क नहीं करता, मेरे को और दूर दूर तक टॉर्चेस लगाने पड़ेंगे और जहाँ जहाँ अंधेरा हो रहा है वहीं पर भी मेरे को ये टॉर्चेस लगाने पड़ेंगे, ताकि मेरा भी एक्सपी फार्म और भी फास्ट काम करे। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि वो भी वीडियो का आनंद ले पाए। और अगर आपको भी माइनक्राफ्ट मल्टीप्लेयर खेलना है तो मेरे वीडियो में कमेंट कर देना, मैं जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। सो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब तो हर संडे हम लाइव आने की कोशिश करने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करके रखना चैनल को और बहुत मज़े आते हैं दोस्तों। ओके सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे होम स्टे सेफ, धन्यवाद।